दोस्तों, ये कहानी है दो ऐसी लड़कियों की जिनके साथ कुछ लड़के बार बार गंदा काम करते हैं, लेकिन उन दोनों लड़कियों ने हार नहीं मानी और उन सब लड़कों से एक एक करके बदला लेने का प्रण लिया। चलिए जानते हैं कैसे। तो मूवी की शुरुआत में हम दो लड़कियों कैटी और नैन्सी को देखते हैं, जो एक एग्रीकल्चर की स्टूडेंट थी और अब वह दोनों स्टडी करने के लिए न्यूयॉर्क के एक फार्म में जाने वाली थी। इस बात से दोनों बहुत ही ज्यादा खुश होती है और आपस में डिस्कस करती है कि इसी बहाने वह न्यूयॉर्क भी घूम लेंगी और वहाँ खूब सारी शॉपिंग भी कर लेंगी। अगली सुबह उन दोनों को लेने के लिए उनके अंकल जैनसन आते हैं, जो कि एक FBI एजेंट है। जब वह दोनों देश उनके घर जाते हैं तो वहाँ उनकी मुलाकात एसन की गर्लफ्रेंड से होती है, जो उन्हें देखकर बहुत खुश होती है। अब क्योंकि वह नए शहर में जाने वाले थे, इसलिए वह दोनों उनका नाम भी कुछ नया रखने के सोचते हैं, जहाँ कैटी अपना नाम हैदर और नैन्सी अपना नाम रैफली रखती है। अगले दिन जैनसन उन्हें बस स्टॉप पर लेकर जाता है, जहाँ से कैटी और नैन्सी को स्टडी के लिए एग्रीकल्चर फार्म जाना था। वहाँ पर जैनसन इन दोनों के साथ ही न्यूयॉर्क जाने वाली बस का इंतजार करने लगता है। तभी कैटी जैनसन को ऐसा करते हुए देख वहाँ से जाने के लिए कहती है, अब हम यहाँ से चले जाएंगे और फार्म पहुंचकर तुम्हें मैसेज कर देंगे, जिस पर जैसन उन्हें कोड वर्ड इस्तेमाल करने के लिए कहता है, जिससे कि वह समझ सके कि वह लोग सेफ हैं। कैटी कहती है कि मैं एप्पल वर्ड यूज करूंगी, लेकिन जैसन कहता है कि तुम्हें हर बार नए कोड वर्ड का यूज करना होगा, ताकि कोई तुम्हारे कोड वर्ड को ना समझ सके। यहाँ पर रोड से गुजर रहे दो लड़के कैटी और नैन्सी को देखते हैं। जैसन के यहाँ से जाने के बाद कैटी और नैन्सी पास से एक रेस्टोरेंट में कॉफी पीने जाते हैं, जहाँ पर वह दोनों लड़के भी आ जाते हैं, जो कि कुछ देर पहले उन्हें देख कर गए थे, जिनका नाम लूकस और जेड था। और वह दोनों कैटी और नैन्सी से बातें करने लगते हैं। यहाँ पर कैटी और नैन्सी अपना नाम उनको हैदर और रैफली बताते हैं। कैटी उनको बताती है कि हम न्यूयॉर्क के एग्रीकल्चर फार्म में स्टडी के लिए जा रहे हैं, जिस पर जेड उन्हें कहता है कि हम भी वहीं जा रहे हैं, अगर तुम आना चाहो तो आ सकती हो, हम तुम्हें फार्म तक छोड़ देंगे। लेकिन कैटी उनके साथ जाने से इनकार कर देती है। और फिर जब जेड और लूकस वहां से जाने वाले ही होते हैं, तो नैन्सी कैटी को उनके साथ जाने के लिए मना लेती है और वह दोनों उनके साथ चली जाती है। यहां से वह दोनों कैटी और नैन्सी को फार्म ना ले जाकर दूर जंगल में स्थित अपने घर पर ले जाते हैं, जो कि जंगल के बीचों बीच होता है। यह देखकर कैटी और नैन्सी थोड़ा घबरा जाती हैं और उन्हें तुरंत फार्म ले जाने के लिए कहती हैं। और तभी घर के अंदर से जेड और लूकस की मॉम आती हैं, जो कि उन्हें बहुत ही प्यार से चाय पीने के लिए कहती हैं और उन्हें बताती हैं कि इसके बाद जेड और लूकस तुम्हें फार्म तक छोड़ देंगे। और जब वह दोनों चाय पी रही होती है, तभी कैटी के पास उनके अंकल जैसन का मैसेज आता है, जिस पर कैटी उन्हें अपना कोड वर्ड एप्पल लिखकर रिप्लाई कर देती है, जिससे जैसन समझता है कि दोनों सेफ हैं। वहीं इधर लूकस की मॉम इन दोनों को कुछ खाने को देती है, जिसे खाते ही कैटी और नैन्सी को नशा चढ़ने लगता है, क्योंकि उस खाने में ड्रग्स मिला हुआ था, जिससे वह दोनों समझ जाती हैं कि उनके साथ कुछ गलत किया जा रहा है। इसलिए वह दोनों जल्द से जल्द वहां से भागने की कोशिश करती हैं, लेकिन थोड़ी दूर जाकर वह दोनों बेहोश हो जाती है, जिसके बाद जेड और लूकस उन दोनों को उठाकर वापस अपने घर ले जाते हैं। अगले ही दिन जब उन्हें होश आता है, तो वह दोनों खुद को जंगल में पाती हैं। उनके हाथ लोहे की जंजीरों से बंधे हुए होते हैं। यह सब देखकर वह दोनों बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं और हेल्प के लिए चिल्लाने लगती है। तभी वहां पर जेड आता है और उन्हें बताता है कि तुम दोनों जंगल की एक ऐसी जगह पर हो, जहां पर दूर दूर तक कोई इंसान का परिंदा भी नहीं देखने मिलेगा, इसलिए तुम्हारे चिल्लाने का कोई फायदा नहीं है। और कुछ देर बाद वहां पर मॉरिस नाम का एक आदमी आता है, जो कैटी को उसका फोन दिखाता है और उससे कहता है कि तुम्हारे फोन पर किसी जैसन नाम के आदमी ने मैसेज किया है, जिसे तुमने पिछली बार मैसेज के रिप्लाई में एप्पल लिखकर मैसेज किया था। वह इन दोनों से उसका मतलब पूछता है, जहां कैटी उसे बताती है कि एप्पल एक कोड वर्ड है, जिसका मतलब है कि वह लोग ठीक हैं। इसके बाद मॉरिस जैसन को रिप्लाई करते हुए लिखता है कि सब कुछ ठीक है, हम फार्म कर रहे हैं, और कोड वर्ड के लिए एप्पल भी लिख देता है, जिसके बाद वह कैटी और नैन्सी को उनके सामने ही नहाने के लिए फोर्स करते हैं। लेकिन तभी वहां पर एक शरीफ नाम का पुलिस ऑफिसर आता है, जिसे देखकर कैटी और नैन्सी उससे मदद की भीख मांगने लगती हैं। लेकिन तभी उन्हें पता लगता है कि वह पुलिस ऑफिसर भी जेड और लूकस के साथ मिला हुआ है। यह देखकर वह दोनों और भी ज्यादा डर जाती हैं। यहां कैटी और नैन्सी उन्हें समझाने की कोशिश करती हैं, प्लीज हमें यहां से जाने दो, हम किसी को कुछ नहीं बताएंगे। लेकिन वह लोग उनकी एक नहीं सुनते। फिर वह पुलिस वाला एक वाइग्रा की गोली खाकर अपने लिए कैटी को चूस करता है। इसके बाद हम कैटी के कंटेनर से उस पुलिस वाले को बाहर आता देखते हैं, जो कि अपनी पेंट की चेन लगा रहा था, जिससे हमें पता लगता है कि उसने कैटी के साथ अश्लील काम किया है। दूसरी ओर हम जैसन को देखते हैं कि जिसे कैटी और नैन्सी की बहुत चिंता हो रही थी, क्योंकि कैटी ने मैसेज में एप्पल वर्ड का यूज दोबारा किया था। वहीं दूसरी तरफ लोग कैटी के कंटेनर में एक नशेड़ी आदमी को भेजते हैं, जो उसके पेट पर चलती हुई सिगरेट चोटा देता है, जिससे कैटी जोर जोर से चिल्ला कर रोने लगती है। इसके बाद वह कैटी को बहुत मारता है और उसके साथ जबरदस्ती करता है। यहाँ पर यह लोग हैवानियत की सारी हदें पार कर चुके थे। यह लोग कैटी और नैन्सी से जबरदस्ती धंधा करवा रहे थे। वहीं जैसन कैटी और नैन्सी के बारे में पता करने के लिए न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में कॉल करता है और उससे वहां से पता चलता है कि वह दोनों एक बार भी वहां नहीं गए। जहां पर जैसन समझता है कि वह दोनों बहुत ही बड़ी मुसीबत में है, इसलिए वह तुरंत उन दोनों को ढूंढने के लिए निकल जाता है। वहीं कैटी
पैटी और नैन्सी के साथ बहुत ही ज्यादा बुरा हो रहा था, क्योंकि अब जो अगला कस्टमर था उसके आने से पहले जेड और लुकस उन दोनों के चेहरे पर मास्क लगा देते हैं और वह कस्टमर भी एक पिग वाला मास्क पहन लेता है। इसके बाद जेड और लुकस कस्टमर को कैटी और नैन्सी के चेहरे से मास्क हटाकर उस कस्टमर उनके चेहरे दिखाता है। कैटी और नैन्सी उस पिग मास्क वाले को देखकर और भी ज्यादा डर गई थी। यहाँ पर वह बंदा नैन्सी को चूस करता है और उसे कंटेनर में ले जाकर उसके साथ बहुत ही गंदा काम करता है। उसके जाने के बाद कैटी नैन्सी के पास जाती है तो वह देखती है कि नैन्सी की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो गई है। वहीं दूसरी साइड जैनसन पुलिस स्टेशन पहुंचता है और वहां उससे वही पुलिस ऑफिसर मिलता है जिसने कैटी के साथ गंदा काम किया था। जैनसन उसे कैटी और नैन्सी के किडनैप के बारे में बताता हुआ कहता है कि वह भी एक FBI एजेंट है। जिस पर पुलिस वाला जैनसन से पूछता है कि आपको कैसे पता कि वह दोनों किडनैप हुई है। जिस पर जैनसन उससे कहता है कि उससे पहले उसने अपनी भतीजी को कोई भी कोड वर्ड एक बार ही इस्तेमाल करने के लिए कहा था, लेकिन कैटी ने एक ही कोड वर्ड को दोबारा इस्तेमाल किया है। वहीं जंगल में मॉरिस को यह सारी खबर उस पुलिस ऑफिसर से पता चल जाती है। कैटी के अंकल एक FBI एजेंट है, पर कैटी ने हमें इस कोड वर्ड के बारे में गलत इन्फॉर्मेशन दी थी। मॉरिस जेड को उनके कंटेनर से दूर ले जाकर बात करता है। इन दोनों लड़कियों को जल्द ही ठिकाने लगाना पड़ेगा वरना हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। वह जेड को कहता है कि हमें शहर में आने वाली नई लड़कियों को भी पकड़ना है। कैटी अपने कंटेनर के पास खड़े होकर चुपके से इनकी सारी बातें सुन रही थी। इसके बाद मॉरिस कैटी के कंटेनर में जाकर कैटी के साथ जबरदस्ती करता है। वहीं दूसरी ओर जैसन भी रेस्टोरेंट में पहुंचता है जहां पर कैटी और नैन्सी को वह दोनों लड़के मिले थे। जैसन वही काम करता है, एक आदमी से कैटी और नैन्सी की फोटो दिखाकर उनके बारे में पूछता है, जहां पर वह आदमी उससे मॉरिस की गाड़ी के बारे में बताता है। अगले दिन कैटी नैन्सी को बताती है कि वह लोग उन्हें मारने की प्लानिंग कर रहे हैं। तभी वहां जेड और मॉरिस उसी नशेड़ी आदमी को लाते हैं जिसने कैटी के साथ जबरदस्ती की थी। वह उस नशेड़ी आदमी को कहते हैं कि हम दोनों जल्दी ही वापस लौटते हैं, तब तक तुम इन दोनों पर कड़ी निगरानी रखो, कहीं यह दोनों यहां से भाग ना जाएं। उनके वहां से जाते ही कैटी उस नशेड़ी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, उसे अपने साथ अल्टीमेट होने के लिए उकसाती है। अब जैसे ही कैटी उस नशेड़ी के करीब जाती है तो कैटी उस नशेड़ी के गले पर जोर से काट लेती है जिससे उसके गले में खून निकलने लगता है, जिसके कारण उस नशेड़ी की वहीं पर मौत हो जाती है। इसके बाद वह दोनों अपनी हथकड़ियां खोलकर वहां छुप जाती हैं, पर जब वह पुलिस वाला वहां पहुंचता है तो वह दोनों चुपके से उसकी गाड़ी लेकर वहां से भाग जाती हैं। वहां से वह दोनों एक मॉल में जाकर बहुत सारा अजीबोगरीब सामान खरीदने लगते हैं, जैसे हथौड़े, बहुत सारी किले, टेनिस बॉल और बहुत खतरनाक हथियार। जिसके बाद वह मॉल के कैशियर के पास जाकर उससे मॉरिस के घर का पता पूछती है, जिससे वह उसे मॉरिस के घर का पता बता देता है। वहीं जैसन मॉरिस की कार इंश्योरेंस कंपनी में पहुंचाता है और वहां पर उसे मॉरिस के घर का पता मिल जाता है। यहां मॉरिस अपने घर पर म्यूजिक लगाकर एंजॉय कर रहा था, लेकिन तभी वहां पर कैटी और नैन्सी आते हैं और टेनिस बॉल पर बहुत सारी किले लगाकर उसके मुंह पर मारती हैं, जिससे वह बेहोश हो जाता है। और फिर जब उसे होश आता है तो वह खुद को टेबल से बंधा हुआ पाता है। मॉरिस उन्हें खुद को छोड़ने के लिए बहुत सारे पैसों का लालच देता है, लेकिन कैटी और नैन्सी को सिर्फ अपना बदला चाहिए था। यहां उनके अंकल जैसन भी इसके घर के बाहर पहुंचते हैं। फिर वहीं घर के अंदर कैटी और नैन्सी उस मास्क वाले व्यक्ति का पता पूछती है, जिस पर मॉरिस उन्हें उसका पता बता देता है। जिसके बाद वह दोनों उसके पिछवाड़े पर किले से बना हुआ एक बेसबॉल घुसा देते हैं। मॉरिस के चिल्लाने की आवाज सुनकर जैसन जल्दी ही घर के अंदर जाता है। यहां पर जैसन को मॉरिस मरा हुआ मिलता है। तभी उसको घर के पीछे गाड़ी की आवाज सुनाई देती है और जब तक वह बाहर जाता तब तक कैटी और नैन्सी गाड़ी लेकर वहां से फरार हो चुकी थी। जैसन जल्दी से वापस पुलिस स्टेशन जाता है और उस पुलिस मैन से दोबारा कैटी और नैन्सी के बारे में पूछने लगता है। तभी जैनसन कैटी को फोन लगाता है तो उसे पता लगता है कि कैटी का फोन उस पुलिस मैन के पास ही है। अब इसके पहले कि जैसन कुछ कर पाता वह पुलिस मैन उसके पीछे गन पॉइंट करके खड़ा हो जाता है। दूसरी ओर कैटी और नैन्सी एक चर्च में पहुंच जाते हैं जहां हमें पता चलता है कि वह पिंक मास्क वाला आदमी कोई और नहीं बल्कि इस चर्च का फादर है। इसके बाद नैन्सी बेसबॉल बैट लेकर वहां उस फादर के पास पहुंचती है तो वह नैन्सी को एकदम से पहचान लेता है और तभी कैटी पीछे से उसके सर पर बेसबॉल के बैट से अटैक कर उसे बेहोश कर देती है। वह दोनों उसे गाड़ी के पीछे बांध कर घसीटते हुए टाउन में लेकर आते हैं। वहां वह एक दुकान से माचिस और पेट्रोल खरीद कर उस पर पेट्रोल छिड़ककर उसे जिंदा जलाकर मार डालते हैं। वहीं जैसन को उस पुलिस वाले ने कैद कर रखा था। कुछ देर बाद वह तो लड़कियों को किडनैप कर वहां लाता है और जब वह उन लड़कियों के साथ जबरदस्ती करने लगता है तभी पीछे चुपके से कैटी और नैन्सी वहां आकर बेसबॉल बैट से उसके सर पर अटैक करके उसे बेहोश कर देती हैं। और जब उसे होश आता है तो वह खुद को कुर्सी से बंधा हुआ पाता है और उन दोनों से माफी मांगने लगता है। तभी ट्रिगन में सिर्फ एक बुलेट डालकर उसे डराती है और दोनों बारी बारी से उस पर शूट करने लगते हैं, लेकिन वह सभी शूट में बच जाता है जिससे वह थोड़ा मुस्कुराता है। लेकिन अगले सेकंड कैटी उसे फाइनल शूट करके जान से मार देती है, जिसे देखकर दोनों लड़कियां बहुत ही ज्यादा डर जाती हैं। इसके बाद कैटी और नैन्सी वहां मौजूद दोनों लड़कियों को पूरी तरह से आजाद कर देती हैं और फिर जैसन को
खोलने के लिए कहती है। फिर वहाँ से चली जाती है। वह लड़की जैसन की रस्सी खोलकर उसे बताती है कि उन लड़कियों ने हमें ऐसा करने को बोला है। यहाँ पर जैसन को पूरी बात समझ आ जाती है कि वह दोनों लड़कियाँ कोई और नहीं बल्कि कैटी और नैन्सी है। वहीं हम जेड और लुकस की मॉम को देखते हैं जो कि इस समय ड्रिंक कर रही होती है। तभी उसे अजीब सा नशा होने लगता है जिससे वह वहीं पर गिर कर बेहोश हो जाती है। इसके बाद जब उसे होश आता है तो वहाँ पर कैटी और नैन्सी ने उसको बेसमेंट में कुर्सी से बांध कर रखा होता है। उन दोनों ने जेड को सामने वहीं पर बांध रखा था। यहाँ पर कैटी जेड को उसकी मॉम के सामने ही उसके सर पर बेसबॉल बैट से मार करके नीचे गिरा देती है। बेसबॉल बैट से मारते हुए उसे वहीं बेरहमी से मार मार कर जान से मार देती है, जिसे उसकी मॉम जोर जोर से रोने लगती है। फिर वह दोनों उसकी मॉम को लुकस के पास लेकर जाती है, जहाँ पर लुकस के हाथ में बेसबॉल बैट देख कर उसकी मॉम को उसे मारने के लिए कहते हैं और उसे धमकाती है कि अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, लेकिन लुकस नहीं कर पाता, जिससे नैन्सी उसे गन से शूट कर देती है और वह वहीं मर जाता है। इसके बाद वह उसी गन को साफ करके लुकस के हाथ में पकड़ा देती है, जिससे कि पुलिस को लगे कि आपस में लड़ झगड़ कर ही मर गए हैं। इसके बाद उसकी मॉम नैन्सी को कहती है कि अगर तुम मुझे नहीं मारोगे तो मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दे सकती हूँ। उसकी बात सुनकर कैटी और नैन्सी बहुत हंसती है और फिर कैटी एक कटिंग मशीन से उसका सर धड़ से अलग कर देती है। कुछ दिनों बाद जैसन कैटी और नैन्सी के घर जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि कैटी और नैन्सी दोबारा से न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में अपने अंकल जैसन के साथ जा रही थी और फाइनली वह न्यूयॉर्क एग्रीकल्चर फार्म में पहुंच जाती है। दोस्तों, हमारे द मूवी एक्सप्लेन चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।